एवरीवन। सो फाइनली गाइस एक और ट्रैक शुरू हो गया हमारा, और ये ट्रैक स्टार्ट है फ्रॉम शारजा टू दुबई, दुबई टू एक डेस्टिनेशन है कायरा। तो ये जब का प्लान बन गया, एक और इंटरनेशनल ट्रैवल मेरा स्टार्ट है। तो कोशिश करेंगे कि जितना अच्छे से मैं कैप्चर करके दिखा सकूँ उसको दिखाऊँगा, और क्या चीज़ें वहाँ नहीं होंगी अभी मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड ही टोल्ड मी टू गो कि वहाँ चलेंगे भाई। सो अब प्लान है, चलते हैं। डिपार्चर और इमिग्रेशन की वजह से मैंने वीडियो क्रिएट नहीं की थी, क्योंकि डिपार्चर और इमिग्रेशन के अंदर बहुत टाइम लग रहा था। तो अभी फ़िलहाल पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और मज़ीद जो है ना लोकेशन पहुंच के अभी यहाँ से देखिए आप जहाज़ में जा रहे हैं, पहले वहाँ पहुँच जाए जहाज़ में, उसके बाद फर्दर डिटेल करते हैं, क्योंकि प्रोसेस इतना ज़्यादा लेंदी था कि उसमें वीडियो बनाने का टाइम मिला नहीं, और बहुत सारे इशूज़ ऐसे थे जो कुछ करने पड़े, मैं ऑनलाइन चीज़ें करनी थी, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा डिले हो गया। तो वीडियो वगैरह मैंने वहाँ पर क्रिएट नहीं करी, बट फिलहाल अभी तक यही ठीक है। फर्दर मोर अपडेट जो है मैं आगे जाके दूंगा, अभी क्योंकि यहाँ पे ट्रेन में शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैंने माइक नहीं लगाया हुआ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, मतलब इंशाल्लाह मीन्स के आगे मिलते हैं। फाइनली जो है ना वो जहाज़ में बैठ चुके हैं, लेकिन अभी मसला ये है कि अब जहाज़ में इतना रश है ना कि अभी वीडियो बनाना मतलब अजीब सा लग रहा है समथिंग। सो फ्लाइट इस वक्त टेक ऑफ के लिए बस रेडी है, तो फ्लाइट की वीडियो हम नहीं बना रहे, बट इस वक्त जहाज़ में हूँ इतना दिखा सकता हूँ मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी मज़ीद जो है फर्दर मैं अपडेट देता रहूँगा अभी जैसे हम लोकेशन पे पहुँचेंगे। तो प्रोसेस की वजह से ना टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी वीडियोस बनाने का या कुछ भी करने का, प्रोसेस से टाइम नहीं मिला। तो देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, आगे मिलते हैं। यू नो इट्स अ वेरी गुड लाइफ हियर, और जो है वो जहाज पे जो है ना अभी जस्ट व्हील जो है ऑर्डर हो गया, फिल्म देख रहा था मैं बैठ के सकूँ से, जो है वो अचानक से जो खाना नहीं मिला दी, इतना सारा जो खाना है ना लैपटॉप रखा हुआ भाई के पास, भाई अपने फिल्म देख रहा है जहाज़ के अंदर, फुल पाकिस्तानी माहौल, सॉरी फुल अमेरिकन माहौल यू नो। तो अभी सिलसिला ये चल रहा है कि बस 3 घंटे का सफ़र है, ऑलमोस्ट 3 घंटे क्रॉस करते हैं, तो किस तरह तो मैंने एक मूवी देख ली ऑलमोस्ट 1 घंटे पे। और सेकंड थिंग इज दैट द मील इज़ रेडी, तो मैंने सोचा कि मील वगैरह खा लें, और साथ साथ क्या है कि मील स्टार्ट करेंगे, और मील खाते हुए तो खैर क्या दिखाना आप लोगों को यार, खैर फिलहाल मूवी दिखाता हूँ। फिलहाल ये मेरा लैपटॉप है जो मैं जहाज़ में यूज़ कर रहा हूँ, और ये मील है सिंपल। सो मील खाते हैं थोड़ा सा और लैपटॉप इंजॉय करते हैं, और जहाज़ सब एवरीबडी सीटिंग लाइक समथिंग। मील इज़ ऑलमोस्ट रेडी, और एक केक है और चिकन विद नूडल्स, एंड बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो इस वक्त क्या बोलूँ, हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड इजिप्शन। टोटली गेटिंग बोर्ड, 3 घंटे अभी तक गुजर नहीं रहे, मूवी ऑलमोस्ट एंड है, और प्लेन में ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो इस वक्त सोने के प्लान बन चुके हैं उनका, सॉरी तो सभी ऑलमोस्ट सो रहे हैं, 3 घंटे गुजर चुके हैं, बट स्टिल आई एम वेटिंग। और लॉन्ग फ्लाइट यार बहुत लॉन्ग, मुझे अभी तो उतर कर एक और फ्लाइट लेनी है वहाँ पर, देन व्हाट टू डू। बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ, देखते रहिए हमारा सफ़र, सफ़र में बहुत सारी चीज़ें बतानी है यार, लेकिन बस क्या हो रहा है कि फोकस हो नहीं पा रहा उस तरीके से जिस तरह यूट्यूब की लिए वीडियो पे फोकस करना चाहिए, उस तरह से फोकस हो नहीं पा रहा। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा हो सकेगा करूँगा, बट लेकिन फिलहाल थोड़े से बाहर के नज़ारे कराऊँ आपको। मंज़र देख रहे हो आप कितना खूबसूरत मंज़र है ये, और बहुत ही सुपर, तो बहुत इन्जॉय किया है फिलहाल मैंने तो ट्रैवल अभी तक, और चल रहा है फिलहाल, अभी तक पहुँचे नहीं है, टाइम है अभी, तो सोचा कि ये मंज़र आपको दिखाएं, आपसे ये मंज़र शेयर करें ताकि आप इस चीज़ को इन्जॉय कर सकें।
enjoy it. Let's see. Finally, मैं एक और जगह पहुंच गया हूं और सफ़र जो है ना वो इतना मज़े का चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता. और सरप्राइज इज़ वॉट सरप्राइज. सो हम हियर कायरो. सो इजिप्ट भी आ गया आपका भाई. इजिप्ट के सारे मैटर जो है ना वो मैंने अभी फ़िलहाल तो अभी इजिप्ट में पहुँचे हैं कायरो पे. और मज़ीद आगे जाने का प्लान है मैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कायरो पे बहुत सारी शॉप्स देखी है तो कुछ शॉप्स के नज़ारे कराता हूँ कायरो के. ओके अभी नाउ जस्ट DBX टू कायरो. तो थोड़े से शॉप के नज़ारे कराते आपको कायरो एयरपोर्ट के. ये देखें ये है इजिप्ट की कुछ चीज़ें. इजिप्ट और इजिप्ट ये सब इजिप्ट के आप छोटे छोटे से सेटअप देखें. ये सब इजिप्ट का सेटअप. ये छोटा सा स्टोर एक और इधर इजिप्शियंस काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बुक्स और इजिप्ट की स्टोरीज एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर. कुछ चीज़ें जो है ना अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें और भी अच्छी हैं. ये सारा ये इजिप्ट का कार्डेक और फाइनली जो है ना आपके भाई ना आपको इजिप्ट की भी थोड़ी सी झलक दिखा दूंगा. अभी हम यहाँ पे लगे हुए हैं कि इजिप्ट के कुछ मामला थे वो देखने पूरे करने. अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर इजिप्ट भी पूरा दिखाऊंगा आपको. There is some perfumes and some chocolates also there. It is just a shop, simple shop. So dirham. This is a wallian. वेलकम सेम ब्लॉग वेलकम. बट सिनेरियो इज दैट व्हाट सबसे पहले तो ये कि शर्ट के चेंज हो गई. सर्दी लग रही है. एसी बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है एसी, तो सर्दी लग रही है. सेकंड चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा चलने के बाद, बहुत ज़्यादा यानी कि घूमने फिरने के बाद ऑलमोस्ट पूरा इजिप्ट एयर का जो पूरा एक एयरपोर्ट है वो हमने पूरा देख लिया ऑलमोस्ट. तो आप सोचा कि कुछ खाने पीने की बात हो जाएगी कि जहाँ भी आए और खाना पीना ना किया जाए तो फिर ऐसे कैसे चल सकता है. तो अभी हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, कुछ नई नई डिशें मैं आपको भी दिखाता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ. लाइक द फर्स्ट वन इज दैट व्हाट देयर इज क्लासिक रिबियास स्टिक एंड द टी बोन. इट इज़ वेरी वेरी डिलीशियस. अभी ऑर्डर किया है हमने इसका, ठीक है, सैलोन स्टिक. बाकी बीफ लिफ्ट है और इसकी तस्वीरें हैं ना, इसको देख कर इतना वो हो रहा है कि बस यही. लेकिन प्राइस वो 380 इजिप्शियन पाउंड. एंड देन व्हाट मेन कोर्स इस तरह से इसका, इसमें मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं. बर्गर के प्राइस आप देख लो 240 है जी, 20 बर्गर, दिस काइंड ऑफ बर्गर. ओके और ये हो गई आइसक्रीम वगैरह, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं. कॉफ़ी पे जाना है तो कॉफ़ी के रेट देख लो. एस्प्रेसो यहाँ पे 85, डबल एस्प्रेसो, लॉन्ग कॉफ़ी भी है, कैपेचिनो भी है, फिर डबल कैपेचिनो, फिर आगे मजीद जो है ना वो हॉट चॉकलेट वगैरह कोल्ड वोल्ड सब कुछ मिलेगा भाई यहाँ. और रेस्टोरेंट का जो इन्वायरमेंट है ना वो ये देखो, दिस इज़ द इन्वायरमेंट. और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़े का इन्वायरमेंट है. बहुत 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 मज़ा आ रहा है. चिल एकदम चिल मॉल. तो अभी खाना आ जाए तो बाकी जो मज़ीद जो शशके वशके वो खाने की बात करेंगे. थक गए बहुत ज़्यादा सुबह से निकले हुए और अभी तक सिर्फ इजिप्ट ही पहुँचे हैं. मज़ीद जो है वो आगे चलेंगे, फिर मज़ीद वीडियोस को मैं कंटिन्यू रखूँगा. तो कोशिश करेंगे कि लोकेशन तक पहुँचने, मगर आज तो नहीं पहुँच सकते, कल ही पहुँचेंगे. बट लेकिन ये कि ट्रैवल आप लोग देख लोगे और क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आया, सोचा नहीं था. बट इट इज़ वेरी गुड और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चीज़ें हैं, चल रही हैं अभी.
तो अगर आपको ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, आपको ये सारी सीरियल पसंद आ रही है, सब कुछ पसंद आ रहा है, तो मेक श्योर के ब्लॉग्स अगर टू क्लिक ऑन बेल आइकन और ऑल्सो गिव मी अ ह्यूज फेवर, लाइक भी करते जाओ, सब्सक्राइब तो करना ही करना होता है, तो कॉमन सी बात। ओके, सो मजीद अब जब खाना आता है तो मजीद खाना आने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और जब तक के लिए थोड़ा आराम करते हैं। कान ना अभी तक बंद है, कानों में आवाज़ नहीं आ रही, अभी बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कितनी तेज़ आवाज़ आ रही होगी इसमें, बट कान अभी तक बंद है। जब फ्लाइट से उतर रहे थे कान ऐसे बंद हुए कि बस नहीं बता सकता। सो फाइनली आ गया जो हमने ऑर्डर किया था, और इस वक्त जो है ना हम लोग का स्टार्ट कर लिया, और सोन भाई मेरे साथ है बिल्कुल फुल टाइम सिंस अब अट्टा चल रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी आप ये मंगवाया है अभी हमने एक, ठीक है, और फ्राइज के साथ, और ये कुप्स है ना, कुप्स, इट इज़ कुप्स। कैसा टेस्ट है, टेस्ट बताया ज़रा कैसा है ज़रा, नो मज़े का awesome. मज़े का नहीं है, ऑसम है, ओके दिस इज़ ऑल। तो अभी हमने ये मंगा लिया है, और होटल के मैं आपको पहले दिखा चुका था, और होटल के साथ एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है वो मैं दिखा नहीं सकता अभी, यानी कि टीवी और अभी हम मजीद जो है ना बस खाना खाएंगे, उसके बाद मजीद बातें जो बाद में करेंगे, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, मिलते हैं बाद में खाने के बाद, नो चांस। फुल ऑन जो है ना माहौल चल रहा है, और अभी आए हैं सीगा फ्रेडो बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल कॉफ़ी है सीगा फ्रेडो की, तो जब हम आए हैं अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, कॉफ़ी भी पिए, मैं कितनी 370 LG वो कॉफ़ी ऑन 370 है, अगर डिवाइड कन्वर्ट वनवर्ट करते हैं तो 26 AED, और अगर आ जाते हैं पाकिस्तान की फीस तो नज़र लगा दो इसलिए बताऊँगा। ओके, तो फिलहाल अभी एस्प्रेसो कॉफ़ी वहाँ पर दिखाते हैं, और मजीद जो है ना मैं ये सोच रहा हूँ कि इजिप्ट का जो ब्लॉग है ना वो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा इख्तिताम करूँ, उसके बाद नए ब्लॉग में मिलूँ दोबारा दूसरे ब्लॉग में, क्योंकि सुबह भी यहाँ इजिप्ट से निकल कर कहीं और जाना है, और रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो रात गुजारनी किसी तरीके से यहाँ पर हमें बहुत लंबा स्टे मिल गया, उस स्टे को कम्प्लीट करना है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में बताऊँ कुछ ये मैं बस इस वजह से बताना चाह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट इज टोटली डिफरेंट, एंड लॉट्स ऑफ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो सुना था इजिप्शियंस के बारे में सब चीज़ें सच है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता या नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता या नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बताना ज़रूरी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेबल है, यानी कि लाइक ये कह सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड थी, आपको यकीन नहीं आएगा बहुत सी बातों पर, यानी कि हर चीज़ के ऊपर पैसे, हर चीज़ के ऊपर पैसे, किसी एक चीज़ के ऊपर भी ऐसा नहीं कि पैसा नहीं हो, वेर एवर यू सेट दे हमेशा लाइक द टोल्ड आप पहले कोई चीज़ खरीदोगे फिर आप यहाँ बैठ सकते हो, और बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे डायलॉग हैं जो हमने पर्सनल में आपस में एक दूसरे डिस्कस किए मगर जो है वो बता नहीं सकते वीडियो में, बहुत सही, लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि इजिप्ट आना है तो बहुत ख्याल रखना है, हर चीज़ का ख्याल रखना है, ईच एंड एवरी थिंग, पैसों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, बिना पैसों के तो यहाँ पे चलने भी नहीं दे रहे, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यार इतना ज़्यादा, अच्छा आने से पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा समझाया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया था, हम फिलहाल तो एयरपोर्ट पर ही हैं, तो एयरपोर्ट पर ही हमारे साथ ये इतने सारे सीन, इतने सारी सपाटे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं हर चीज़ में, जब भी आओ इसको या तो गाइड लो ज़रूरी है, अदरवाइज़ विदाउट गाइड तो आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा है पर टूरिस्ट की बहुत 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 लंबी एक टूरिस्ट की जगह है, एक वैल्यूएबल जगह है जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और कपल्स भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन गाइड देना बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइड देना ज़रूरी है, गाइड नहीं है इसके अलावा करते हो, ख्याल रखना है हर बात का, पैसों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और किसी से कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, इनफैक्ट कि अगर आप किसी से कुछ पूछने भी खड़े हो जाओगे तो वो देख जैसे घेरने वाला सिस्टम हो जाता है ना, घेरने वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, वो उससे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि बस लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकते, बयान लफ्ज़ों में नहीं होता, और अगर आपके साथ लेडीज वेडीज हो तो फिर आपको पता है कि थोड़ा सा मरी वाला हाल हमारा वाला सिस्टम होता है, अदरवाइज़ पहले मैं जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है जब भी आए इसका खास ख्याल रखें कि इजिप्ट आए तो लोकल ज़रूर लें, और लोकल लेने के बाद अपना जो गाइड का सिलसिला है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, किसी से कोई बात ना हो पाए, अपनी जगहों की पहले होमवर्क कर कराओ जहाँ जहाँ जाना है, हमारा भी प्लान था दरिया नील जाने का बट अभी फ़िलहाल
कुछ इश्यूज़ की वजह से हम नहीं जा पा रहे, तो मज़ीद में क्या बताऊँ, बस आप ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ आज का, यहाँ का जब तक सुबह जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर हम दूसरी जगह जाना है, हमें हम वहाँ का ब्लॉग कराएंगे और बाकी वहाँ पर अपडेट देते रहेंगे, तो हम ये सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे अच्छी लगी और इंतजाम पूछ सकते हो, फिलहाल तो मैं यही कुछ देर होता है, उसके बाद फिर यहाँ से आगे मूव करेंगे तो फिर देखेंगे, तो इंशाल्लाह इरादा है बहुत सारी जगहों को, बहुत सारे इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने का, बहुत सारी जगहों को देखने का इरादा है, बाकी जहाँ जहाँ मौका मिलता जाएगा तो वहाँ मैं एक्सप्लोर करता जाऊँगा और बनाता जाऊँगा आपको, ऐसे सब पैसे बाकी बस बहुत याद रखें बहुत ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़। Hello and welcome back to another vlog. My name is Hussain and you're watching.